मरीजों के लिए अच्छी खबर, सरकारी अस्पतालों में टेस्ट फीस नहीं बढ़ेगी। महकमा सेहत ने 376 टेस्टों की कीमत में इजाफे पर अमल दरामद रोक दिया। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, इजाफे का फैसला अस्पतालों का फीडबैक लेने के लिए किया गया। आवाम को सस्ता और मियारी इलाज हुकूमत की तरजीह है। ट्रेनों के किरायों में रद्दो बदल, कुछ रूट्स के ज्यादा कुछ के कम हो गए। 120 रुपए वाले टिकट कम करके 100 रुपए कर दी गई। 130 से ऊपर वाले टिकट को बढ़ाकर 150 रुपए कर दिया। नए किरायों का शेड्यूल 11 मार्च से नाफिजुल अमल होगा। सानहा मॉडल टाउन की दूसरी जेआईटी की तहकीकात मुकम्मल। जेआईटी 15 मार्च को रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को देगी। पुलिस के 85 से ज्यादा अहलकारों और अफसरान ने बयानात कलम बंद किए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज तलब करने के बावजूद पेश नहीं हुए। तसहीक कबूल नहीं, मौत कबूल है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ डट गए। नवाज शरीफ को काल करने पूरा कुंभा जेल पहुंच गया। पीआईसी चलें, अपना इलाज करवाएं। अहले खाना का स्टार नवाज शरीफ का साफ इनकार। साबिक वजीर आजम ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ बोले, इलाज के नाम पर सियासत हो रही है। इलाज की भीख मांगी ना मांगूंगा, जो अल्लाह को मंजूर हो जाए। अहले खाना से मुकालमा। शहबाज शरीफ भी बड़े भाई की तबीयत नासाजी पर परेशान। मरियम नवाज कहती हैं, वालिद अस्पताल घुमाने तस्दीक का निशाना बनने पर तैयार नहीं। नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक हैं। साबिक वज़ीर आज़म को हॉस्पिटल मुंतकिल करने की कोई वजह नहीं, वो सेहतमंद हैं। जेल डॉक्टर्स ने मारने के बाद बता दिया। जेल हुकाम ने रिपोर्ट महकमा दाखिला को भिजवा दी। नवाज शरीफ की खराबी सेहत, नून लीग का ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज। पंजाब असेंबली में हंगामा राई, नवाज शरीफ को रिहा करो के नारे। हुकूमती अरकान के भी जवाबी वार, अपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट। असेंबली की सीढ़ियों पर एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। साबिक वजीर आजम की सेहत के बारे में भीख नहीं मांग रहे। 59 रोज से तमाशा लगा रखा है, इलाज नहीं करा रहे। आबे हयात पीकर कोई नहीं आया, सबको जाना है। लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नसीर, मलिक अहमद खान और उस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कल रात में मुझे आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इज इक्वली कंसर्न, और हमें कल पैगाम आया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर तो हम उनको कहाँ शिफ्ट करें। पीआईसी के लिए मैंने कह दिया था। होम के हमारे सेक्रेटरी साहब जो थे, इसके अंदर क्लोजली इन्वॉल्व थे, हमारे अपने सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनको शायद हमारे अस्पताल पसंद नहीं है, अब क्या किया जाए। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक सुबाई वजीर सेहत भी बोल पड़ी। कहा, नवाज शरीफ एंजियोग्राफी कराने पर राजी नहीं। किसी मरीज की जबरदस्ती एंजियोग्राफी कैसे कर सकते हैं? मरीज हमेशा अपनी मर्जी से इलाज करवाता है। रात को पीआईसी में पूरा अमला अलर्ट था, मगर मियां साहब नहीं माने। डॉक्टर यास्मीन राशिद की गुफ्तगू। बशारत राजा और मियां असलम इकबाल कहते हैं, नवाज शरीफ पैसे खर्च करके बाहर से डॉक्टर्स मंगवा लें, इलाज यही होगा। अनोखा कैदी है जो मर्जी का इलाज चाहता है और सहूलियात भी। शमसाम बुखारी वजीर इत्तला'आत पंजाब बन गए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने शमसाम बुखारी से हल्फ लिया। सैयद शमसाम बुखारी कहते हैं, मीडिया और वजारत इत्तला'आत का एक पेज पर होना जरूरी है। हम एक पेज पर नहीं होंगे तो सूबे का नुकसान करेंगे। जहां इत्तफाक नहीं होगा तो एक दूसरे को समझाएंगे। ओहदा संभालने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय टमाटर का बायकॉट, पाकिस्तानी टमाटर नायाब। टमाटर की कीमत को पर लग गए। लाल टमाटर बड़े बड़ों की पहुंच से दूर। 50 रुपए वाला टमाटर 150 रुपए में बिकने लगा। टमाटर के साथ ब्रायलर की भी पार्टनरशिप। ब्रायलर की कीमत में 4 रोज में 23 रुपए का इजाफा।
दुकानों पर चिकन 252 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। दुकानदारों ने कीमत मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। शहरियों का ब्रायलर सस्ता करने का मुतालबा। महंगाई बेलगाम, अवामी पासवान और अवामी रिक्शा यूनियन का कलमा चौक में एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, रिक्शा ड्राइवरों का ट्रैक पर धरना, मेट्रो बस आधा घंटा मुअत्तल रही। सदर अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी का कहना है कि गरीब का चूल्हा नहीं जलता, महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी। सियासी जमातें हुकूमत गिराने के लिए नहीं, महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकले। मैं अपोजिशन जमातों से कहता हूं, मैं तमाम मजहबी जमातों से कहता हूं, खुदा के लिए हुकूमत गिराने के लिए नहीं कह रहा, और भाई महंगाई के खिलाफ मैदान में निकले, सस्ती करवाएं चीजें। गैस आती नहीं मगर बिल हजारों रुपए आने लगे। गैस बंदिश के बाद सार्फीन पर ओवर बिलिंग का अजाब मुसल्लत। बीबी पाक दामन के इलाके के रिहायशी सरापा एहतजाज। सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। चेयरमैनों के बाद डेप्टी मेयर्स के भी लॉर्ड मेयर से गिले शिकवे। कहते हैं शहर के तमाम काम रुके हुए हैं, मेयर लाहौर अपना रवैया दुरुस्त करें और सबको साथ लेकर चलें। कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद कहते हैं मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं, सब मेरे दमकते सितारे हैं। एक और स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस स्टेशन तैयार। थाना नौलखा की इमारत का शहीद अहमद नदीम की वालिदा ने अफ्तताह किया। सीसीपीओ लाहौर कहते हैं नए थानों का अफ्तताह शोहदा की फैमिली से करवाया जाएगा, फर्ज की राह में जान कुर्बान करने वालों को हमेशा याद रखा जाएगा। तकरीब के अख्ताम पर तमाम पुलिस अफसरान का शहीद की वालिदा को खराज तहसीन। अफसरान ने अहमद मुबीन शहीद की वालिदा को सैल्यूट किया। नया घर बनाना है तो नए दरख्त भी लगाना होंगे। वजीर हाउसिंग की हदायत पर एलडीए कवानीन में तब्दीली का फैसला। एलडीए का नए घर के लिए एनओसी दरख्त लगाने से मशहूर। 10 मरला के घर में 2 दरख्त लगाना होंगे, 1 केनाल के घर में 3 दरख्त लगाना लाजिम करा। एमएनएसटी स्कीम के तहत पानी कनेक्शन लगवाने में 20 मार्च तक तौसी। कनेक्शन न लगवाने वाले साथियों को 2,00,000 जुर्माना, 1 माह कैद होगी। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज कहते हैं कोई भी शख्स अपने शनाख्ती कार्ड के साथ घर के बिल पर फ्री कनेक्शन लगा सकता है। अब सबको पानी इस्तेमाल करने का बिल देना होगा, हमने टेंडर कर दिया है, मीटर्स आ जाएंगे। पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस के नौमंतखब अहदेदार इकबाल टाउन मार्केट के ताजरों की जानिब से इस्तकबालिया। अहदेदारों का शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निचावर। पीसी होटल में जमात इस्लामी हल्का खवातीन की जानिब से सेमिनार। मलबूसात, हिजाब, कॉस्मेटिक्स समेत दीगर अशिया की स्टॉल्स। खवातीन की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ मौजूआत पर खसूसी सेशंस। अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक का भी तकरीब से खिताब। बोले खवातीन के हकूक के अलमबरदार मुस्लिम खवातीन हैं, मुआशरे की तरक्की के लिए खवातीन का बुनियादी किरदार है, एक महज़ब फॉर्म बनने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। टोकन टैक्स की अदम अदायगी, अदाकारा मीरा की गाड़ी का चालान। मीरा ने 2 साल से टोकन टैक्स अदा नहीं किया, महकमा एक्साइज हुकाम ने अदम अदायगी पर शनाख्ती कार्ड जब्त कर लिया। एफसी कॉलेज में तलबा तालिबात के लिए जॉब फेयर का इनेकाद। मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज के 100 से ज्यादा स्टॉल्स। तलबा को इंटरव्यूज के बाद नौकरियों की पेशकश। इस्लामिया कॉलेज बराए खातीन कूपर रोड में सजा फन फेयर का मेला। तालिबात की दीदा से मलबूसात पहनकर शिरकत। चटपटे खानों समेत दीगर अशिया के स्टॉल्स पर भी रश। तालिबात का खूब हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती।